मेरा चैनल डेड हो गया है, मेरे व्यूज़ फ्रीज हो गए हैं, मेरे इंप्रेशंस फ्रीज हो गए हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स फ्रीज हो गए हैं, आखिर क्या है ये डेड चैनल? क्यों हो जाता है कोई चैनल डेड? आखिर क्यों व्यूज़ आना बंद हो जाते हैं, इंप्रेशंस कम क्यों हो जाते हैं, सब्सक्राइबर्स गेन होना क्यों कम हो जाते हैं? तो आखिर क्या है इसके पीछे, मिस्ट्री क्या है? और अगर कोई चैनल डेड हो जाता है तो क्या उसको फिर से ग्रो अप किया जा सकता है या फिर हमें दूसरा नया चैनल बना लेना चाहिए? तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं जिसके ऊपर बहुत सारी अवधारणाएं हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अलग अलग तरीके के ओपिनियंस दिए हैं अपनी अपनी वीडियोज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का ये सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं कि आपका चैनल कैसे डेड हो जाता है और अगर आपका चैनल डेड हो गया है बाई चांस तो आप उसको कैसे ग्रो अप कर सकते हैं, क्या आपको नया चैनल क्रिएट करना चाहिए या उसी चैनल पर काम करते रहना चाहिए। तो सारा कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिना स्किप करे हुए देखेगा। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं एवर टेक्नोलॉजी, आइए कुछ नया जानते हैं। डेड चैनल ये किस टाइप का चैनल होता है? मैंने तो इस टाइप के किसी चैनल का नाम ही नहीं सुना। व्यूज फ्रीज हो जाना, सब्सक्राइबर्स फ्रीज हो जाना, इंप्रेशन फ्रीज हो जाना, CTR ना बढ़ना, ये सब क्या होता है, क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेड चैनल नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है किसी भी एल्गोरिथम में, यूट्यूब के या कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कोई डेड चैनल नाम की कोई चीज़ होती है। इसको हम लोगों ने खुद ही डेवलप किया है, खुद ही हम लोगों का ये एक इन्वेंशन है कि जब हमको लगता है कि हमारे चैनल पर व्यूज़ आने बंद हो गए, इंप्रेशंस रुक से गए हैं, जितने इंप्रेशंस पहले मिलते थे वीडियो को उतने नहीं मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी नहीं गेन हो रहे हैं, वॉच टाइम भी नहीं बढ़ रहा है, तो भाई जब वीडियो कोई देखेगा नहीं तो ना वॉच टाइम बढ़ेगा ना ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और जब इंप्रेशन आएगा नहीं तो वीडियो कोई देखेगा कैसे? तो इसीलिए हम लोग क्या उसका नाम दे दिए हैं, डेड चैनल। तो कोई भी चैनल डेड क्यों हो जाता है वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम लोग यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट करते हैं, उस पर वीडियोस डालना स्टार्ट करते हैं, तो आप सभी लोग, जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के चैनल पर कोई ना कोई एक ऐसी वीडियो निकल करके आई होगी जिसने आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज दिए होंगे, ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम दिया होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको सब्सक्राइबर मिले होंगे उस वीडियो से। आप लोग अपने चैनल पर जाइए, वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां पर मोस्ट पॉपुलर वाली वीडियो को देखिए। जिस भी वीडियो में ज्यादा व्यूज है, मतलब कि एवरेज व्यूज से ज्यादा व्यूज है, जैसे 300 व्यूज है, 400 व्यूज है, 2000 है, 5000 है, तो वो हो गई आपकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो, ठीक है। उस मोस्ट पॉपुलर वीडियो को मान लीजिए हो सकता है आपके गलती से बन गई हो आपसे वो वीडियो, फिर आपने उस वीडियो को बनाना बंद कर दिया, उसी वीडियो से आपको व्यूज भी ज्यादा मिले हैं, उसी वीडियो से आपका वॉच टाइम भी कुछ कवर हुआ है और उसी वीडियो से आपके कुछ सब्सक्राइबर्स भी गेन हुए हैं, फिर आपने क्या किया, उस टाइप की वीडियो बनाना एकदम ठप कर दिया, बंद कर दिया। अब बंद कर दिया भैया, अब आप अपने नीश पर लग गए, जो भी आपका नीश है, जो भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक पर आप वीडियो बनाने लगे। अब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स आपके मोस्ट पॉपुलर वाली वीडियो से आए थे, वो तो आपके चैनल पर सिर्फ इसीलिए आए थे कि आप उस टाइप का कॉन्टेंट उनको देंगे तो उन लोगों को मजा आएगा, वो इंगेज होंगे और उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आपने उस टाइप का कॉन्टेंट तो बनाना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो वीडियो तो आपसे गलती से बन गई थी, ठीक है। आपने कोई कॉन्टेंट देखा, आपने उठाया टॉपिक को, खटाक से आपने बना दिया और वो वीडियो चल उठी, लेकिन उस पर तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट तो अपने टॉपिक पर है, अपने नीश पर है। तो अब क्या होगा, अब वो सब्सक्राइबर्स आपकी अन्य वीडियो को नहीं देखेंगे, इस वजह से आपके चैनल पर व्यूज रुक से जाते हैं, इंप्रेशंस डाउन होने लगते हैं, CTR रुक जाता है और सब्सक्राइबर्स भी आने बंद हो जाते हैं। तो आप लोग को लगता है कि मेरा चैनल कंप्लीटली डेड हो चुका है, और ये मैं बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि शुरुआती दौर में ही होता है, ये बाद में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके 1-2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और आपने कोई वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मिलियंस में व्यूज चले गए, उस टाइप की वीडियो आपने बनानी बंद कर दी, तब भी आपके चैनल पर व्यूज डाउन हो जाते हैं, CTR डाउन हो जाता है, सब्सक्राइबर रुक जाते हैं। तो इसको फिर हम लोग क्या कहते हैं कि डेड चैनल। अब भैया हमारे चैनल पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, व्यूज नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहा है हमारे चैनल पर, ठीक है, बस हम वीडियो बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। एक और बात देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप ये मोस्ट पॉपुलर वीडियो वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है, आप उसी तर्ज पर काम करते हैं कि उसी वीडियो को बार बार रिपीट करके बनाते हैं, ठीक है, वो सब सही है, उसके बाद भी चैनल डेड हो जाता है, चैनल फ्रीज होने लगता है, चैनल की रैंकिंग डाउन हो जाती है, चैनल पर व्यूज बंद हो जाते हैं। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आप रेगुलर नहीं रहते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि भाई मैं एक हफ्ते में 2 वीडियोज डालूंगा, ठीक है, आप डाल रहे हैं, ऑडियंस को उसकी आदत लग गई, ऑडियंस आपका हफ्ते में 2 वीडियोज का इंतजार करती है और आपके वीडियोस को देखती है जब आप वीडियोस अपलोड करते हैं। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक से आपके घर में कोई समस्या आ गई, या आपका एग्जाम आ गया, या आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया, आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ गया, या आपको अपने स्टूडियो से आप दूर हैं, तो आप वीडियो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस, भाई ऑडियंस तो ऑडियंस है, वो तो आपका इंतजार कर रही ना, उसको थोड़ी ना पता है कि आप कहाँ चले गए। तो उससे भी क्या होता है, जब आप इररेगुलरिटी रखते हैं तब भी आपका चैनल डेड होने लगता है, उसकी रैंकिंग डाउन होने लगती है,
व्यूज फ्रीज होने लगते हैं, आप लोगों की भाषा में इंप्रेशंस डाउन होने लगते हैं। तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए दो बातें इसमें होती हैं कि सबसे पहले आपको अपने YouTube चैनल पर जाना है, उसके वीडियो सेक्शन में जाना है और वहां पर जाकर के आपको मोस्ट पॉपुलर वाले ऊपर क्लिक करना है, फिल्टर लगा के मोस्ट पॉपुलर वीडियोस को देखना है। कितनी वीडियोस हैं ऐसे जिसमें ज्यादा व्यूज आए हैं, 1, 2, 3, 4 तरीके वीडियोस होंगे जिसमें आपको एवरेज से ज्यादा व्यूज मिले होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उसी टॉपिक पर फिर से वीडियो बनानी है, 2-2 वीडियो के बाद 3-3 वीडियोस के बाद 4-4 वीडियोस के बाद फिर से वही वाली वीडियो उठा करके डालनी है। वही उठा करके री अपलोड नहीं करना है, उसी टाइप की वीडियो आपको दोबारा बनानी है उसी टॉपिक पर उसी कंटेंट पर। ठीक है, ये नहीं कि उसी वीडियो को आपने डाउनलोड किया और फिर उसके बाद आपने उसको री अपलोड कर दिया, तो री अपलोड नहीं करना है आपको, उसी टॉपिक उसी कंटेंट पर फिर से आपको वीडियो डेवलप करनी है, सेम टाइटल सेम डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ लगा करके आपको वीडियो पेश करनी है, अपने ऑडियंस को देनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो ऑडियंस मैक्सिमम ऑडियंस उस मोस्ट पॉपुलर वाली वीडियो से आई थी वो आपके साथ इंगेज होगी, उसको लगेगा कि हाँ ठीक है आप उसके लिए कुछ ना कुछ नया कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, उसके मतलब का कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, तो वो आपके साथ हमेशा बनी रहेगी, आपका वॉच टाइम भी आपको देती रहेगी, आपको सब्सक्राइबर्स भी गेन होते रहेंगे और आपके वीडियो पर व्यूज भी आते रहेंगे। इससे एक फायदा और भी होता है कि आपके चैनल पर ट्रैफिक की आवाजाही हमेशा बनी रहती है, बरकरार रहती है, आपके चैनल की रैंकिंग हमेशा एक जगह पर स्टैटिक रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, वहां से वो ऊपर ही जाएगी, रैंकिंग डाउन नहीं होगी अगर आप उसी कॉन्टेंट को बार बार अपनी ऑडियंस को पेश कर रहे हैं जिस कॉन्टेंट को आपकी ऑडियंस पसंद कर रही है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं जो दूसरा तरीका होता है। मान लीजिए आपका चैनल मोनेटाइज है, ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स भी हैं, लेकिन व्यूज आने बंद हो गए, अचानक से आपको लगा कि आपका चैनल पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका है, अब तो ना व्यूज आते हैं ना वॉच टाइम आता है ना सब्सक्राइबर्स आते हैं ना कुछ होता है ना कुछ होता है, तो मेरे चैनल तो अब इस समय तो यूजलेस चल रहा है। तो सबसे पहले लोग क्या कहते हैं कि सबसे पहले भैया आपको अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड कर लेना है, क्योंकि सब्सक्राइबर एक फिगर होती है, एक नंबर होता है और उसको आप हाइड कर लीजिए, उसको मत देखिए। अब आप सोचिए कि आपका चैनल जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आपको चैनल जीरो से स्टार्ट करना है, फिर से आपको मेहनत करनी है, तो आप उस चैनल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसकी जगह पे आप दूसरा चैनल एक बैकअप में खोल लीजिए, उस चैनल पर भी काम करते रहिए और नए चैनल पर भी अच्छे से जोश के साथ काम करिए। हो सकता है कि नया वाला चैनल पर आप जो मेहनत करें वो आपकी रंग ले आए और आपका दूसरा चैनल काफी तेजी से ग्रो हो जाए। क्यों? क्योंकि इस बार तो आपके पास एक्सपीरियंस भी है, जब आपने पहला चैनल स्टार्ट किया था तब तो आपने जीरो से स्टार्ट किया था विद जीरो सब्सक्राइबर्स और विद जीरो एक्सपीरियंस, लेकिन जब आप अपना दूसरा चैनल क्रिएट कर रहे हैं, जब पहला चैनल आपका डेड हो चुका है, फिर उसके एवज में आप दूसरा चैनल क्रिएट कर रहे हैं बैकअप में, तो आपके पास जीरो सब्सक्राइबर्स तो हैं लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। जब आप इतनी वीडियोस बना चुके थे, चैनल को मोनेटाइज करा चुके थे, एक अच्छे मुकाम पर थे, तब जाकर आपका अगर चैनल डेड हुआ है तो आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जो कि बिगिनर्स के पास नहीं होता। इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि आप बैकअप में एक दूसरा चैनल ओपन कर लें और उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, और जो आपका पुराना चैनल है जो कि डेड हो चुका है उस पर भी आप धीरे धीरे वीडियोज डालते रहें। अगर कोई वीडियो चल उठी तो ठीक है, अदरवाइज वो चैनल कंप्लीटली डेड हो चुका है, अब उस पर जान फूकने से कुछ फायदा नहीं है। इसलिए आप अपने नए चैनल पर फिर से जोश खरोश के साथ जुट जाइए और मेहनत करिए और अपने नए चैनल को फटाक से ग्रो अप कर लीजिए, और अपने जो पुराना चैनल है जो डेड हो चुका है उस पर वीडियो डालते रहिए। मान लीजिए कोई वीडियो चल उठी तो वो चैनल फिर से आपका रीबूस्ट हो सकता है, उसकी लेकिन कोई बहुत ज्यादा गारंटी नहीं है, लेकिन आपके नए चैनल की गारंटी जरूर है कि अगर आप उस पर मेहनत करेंगे तो वो नया चैनल जरूर बूस्ट होगा और वो नया चैनल आपका जरूर ग्रो करेगा क्योंकि उसमें आपका एक्सपीरियंस मिला हुआ है। ठीक है, बाकी आप अपने चैनल पर रेगुलरिटी को बना करके रखें, कंसिस्टेंटली काम करें। अगर आपने रेगुलरिटी को ब्रेक किया, 2 महीना 3 महीना 1 महीना आपने ब्रेक किया कि मेरे एग्जाम्स है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो ये चीज आपकी ऑडियंस को नहीं समझ में आएगा, ऑडियंस को लगेगा कि भैया आप मार्केट से हट गए हैं, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप 4 दिन यहां पर गायब हुए तो कोई पीछे वाला आपको ओवरटेक कर जाएगा और सब कुछ आपसे टेक ओवर कर लेगा, समझ रहे ना आप। इस वजह से आपको हमेशा अपनी रेगुलरिटी को बरकरार रखना है। अगर आप मार्केट से गायब हो रहे हैं 4 दिनों के लिए, 5 दिन के लिए प्लेटफॉर्म से गायब हो रहे हैं, 1 महीने के लिए, तो आप अपनी ऑडियंस को बता करके जाएं, और इस समय तो बहुत ज्यादा अच्छा फीचर मिल गया है आपको अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने का, शॉर्ट फीचर। अगर आप 1 महीने के लिए गायब हो रहे हैं, ठीक है आप वीडियोस नहीं बना पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप 10 सेकंड का 15 सेकंड का एक वीडियो तो क्रिएट कर सकते हैं ना अपनी ऑडियंस के लिए कि दोस्तों आज मेरे 4 एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, बस मेरे 5-6 एग्जाम्स और बचे हुए हैं, उसके बाद मैं फिर से आपके साथ जुड़ जाऊंगा, ठीक है, फिर मैं आपको नई नई वीडियो प्रोवाइड करूंगा। इस तरीके से आप बना करके अपने ऑडियंस के लिए एक मैसेज भेज सकते हो, आपकी ऑडियंस को भी लगेगा कि आप उनके लिए सोच रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस आपके साथ हमेशा बरकरार रहेगी, परमानेंटली जुड़ी रहेगी, चाहे आप 1 महीने के लिए गायब हो चाहे 2 महीने के लिए गायब हो, आपका चैनल कभी भी वो ऑडियंस डेड नहीं होने देगी। लेकिन अगर आप विदाउट प्री इंटीमेशन अगर गायब हो जाते हैं प्लेटफॉर्म से यूं ही, तो कोई पीछे वाला आकर के आपको
ओवरटेक कर जाएगा जनाब। इस वजह से कभी भी यूं गायब ना हो, वरना आपके व्यूज फ्रीज हो जाएंगे, चैनल डाउन हो जाएगा, रैंकिंग गिर जाएगी और आपका चैनल गया खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इस वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि ये डेड चैनल क्या होता है, व्यूज फ्रीज हो जाना क्या होता है, सब्सक्राइबर गेन ना होना क्या होता है, वॉच टाइम फ्रीज हो जाना क्या होता है। तो सारी चीजें, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा और उम्मीद करता हूं कि यूट्यूब पर सबसे बढ़िया वीडियो ये निकल करके आई होगी। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मेन फंडा होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, क्योंकि अगर आप कंफ्यूजन के नजदीक हैं, मान लीजिए कि ये कंफ्यूजन है और ये आप हैं, आप इस तरीके से चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, जैसे आप कंफ्यूजन के पास पहुंचे तो आपका रास्ता बंद हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा, आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि किधर से जाएं। इसलिए हमेशा कंफ्यूजन से दूर रहिए ताकि आपका रास्ता क्लियर रहे और आप सर निकल जाएं अपने सक्सेस की ओर, ठीक है। इस वजह से अपने कंफ्यूजन को अपने आप से दूर रखिए, नेगेटिविटी को दूर रखिए और मस्त होकर के काम करिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ऑफ व्यूज जरूर ड्रॉप कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट और आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक यहां पर दिया हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।